क्या नाम? हमारा नाम राजेंद्र है जी, बेनीगंज से आए हैं। हमारे बागेश्वर में शादी हो रही है और बहरा में कर रहे हैं हम। किसकी शादी हो रही है? बहन की शादी हो रही है, छोटी बहन की। मम्मी पापा कैसे खत्म हो गए? हमारे मम्मी पापा बीमारी में ख़त्म हो गए थे, उनको 6-10 साल हो गया करीब ख़त्म हुए। तो बहन की शादी को अभी 1 साल पहले वो लीक कर रखी थी, शादी नहीं कर पाए पैसे की वजह से, कि गरीबी है तो किस कंडीशन में कर पाए, तो मजदूरी करने बाहर चले गए थे। इस बार आए तो फिर फार्म हमारा गरीबी इसमें डाल दिया है बागेश्वर में, कि हमारा भी पास हो जाए तो अच्छी बात है, बागेश्वर में शादी हो जाए। गरीबी की वजह से आप नहीं कर पा रहे? गरीबी की वजह से ऐसी सर मजदूरी लगी रहती है, मजदूरी भी नहीं लग पा रही है, कि पैसा खाबो भी भर नहीं चल पा रहा होता तो शादी कहाँ से कर पाए हम। ओली हमारी 1 साल पहले कर दी थी, पैसा की वजह से नहीं कर पाए। लड़का वाले ने तो कहते कि कर लो शादी, लेकिन हमने मना कर दी थी कि हमारे पास पैसा नहीं है तो पिछेल लो, तो उन्होंने भी इतनी आज्ञा कर ली कि मान गए, कि बोलने भी बोलो चलो जब पैसा आ जाए जब कर लीजिए शादी। तो पैसा भी नहीं आया तो हमने कहा बागेश्वर में फार्म भर रहे हैं, आपकी कृपा हो तो हम फार्म भर दें। उन्होंने कहा ठीक है, इजाज़त में लगे तो बोले फार्म भर दो, अगर हो जाए तो वहीं पर शादी कर लें। इस बारे हमने दोनों ने फार्म में समिति से फार्म भर दिया यहाँ पर। तो आप कहते तो बहन आपकी बोरू भी है? बोरू भी है और ना सुनाई देता उसे ना बोलती है उसे। मेरा बचपन से मैं जब से संभाल में मैं ही नहीं पाला उससे हल्के से, और उस वो नौवीं तक पढ़ाई कर रखी है उसने। हाँ आप भैया? हम हाँ मैं बड़ा भाई हूँ उसका। चिंता तो इतनी चिंता लगी रहती है कि हम कब शादी कर दें, कि बहन जवान होती जा रही है, कि शादी की चिंता खाई जा रही थी जी। आपका क्या विचार है महाराज जी के? महाराज जी के यहाँ से शादी हो रही है, इतनी बहुत बड़ी कृपा है कि बागेश्वर में शादी हमारी हो रही है। एक उमंग ही भरी है कि हमारी शादी बहन की एक बागेश्वर में बड़ी उमंग से शादी अच्छी हो रही है। वो भजन बागेश्वर धाम की कृपा से हो रही है, वहीं पर दूर होगा भजन। अब सामग्री में तो अभी हाल तो लहंगा मिला है और आई कार्ड मिले हैं और शेरवानी मिली है। सब निःशुल्क मिला, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। हम बहुत खुश हुए।